नमस्कार, सीएमएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। योगी राज में राहत चलती, युवतियां भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला है बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का, जहां सातवीं क्लास में पढ़ने वाली एक किशोरी का कार सवार चार बदमाशों ने सरेराह उसके भाई के सामने ही अपहरण कर लिया और चलती कार में NH 91 पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे डाला। गैंगरेप के बाद दरिंदे किशोरी को एक सरकारी स्कूल में छोड़कर फरार हो गए। 36 घंटे तक कार सवार दरिंदे किशोरी से दरिंदगी करते रहे और हाईवे पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं पीड़ित परिवार ने सरकार से दरिंदों को गिरफ्तार कर फांसी की मांग की है। यूपी के बुलंदशहर में एक बार फिर हाईवे गैंगरेप कांड की वारदात हुई है। दरअसल 10 मार्च को जहांगीराबाद की रहने वाली किशोरी अपने ही भाई के साथ शादी समारोह से बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रही थी कि तभी रास्ते में जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में कार सवार चार बदमाशों ने किशोरी के भाई के साथ पहले मारपीट कर लूटपाट की और फिर किशोरी को सफेद रंग की कार में डालकर फरार हो गए थे। 36 घंटे बाद बदहवास स्थिति में बरामद हुई इस किशोरी को 2 दिन बाद होश आया तो पुलिस ने किशोरी के बयान लेने के बाद जो खुलासा किया वह चौंकाने वाला है। पीड़ित किशोरी के मामा के माने तो बुलंदशहर में बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पीड़ित के बयानों के आधार पर पुलिस बुलंदशहर बेटी के गुनाहगारों की तलाश में जुटी है। पुलिस की माने तो जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। बुलंदशहर से सुल्तान अंसारी की रिपोर्ट। अच्छी सामने आई, क्या सच्चाई पता पड़ पाई? ये तो मेडिकल रिपोर्ट से साबित होगा। ये बच्ची ने क्या कुछ ऐसा बताया कि कमरे में उसको रखा गया या कार में ही उसको रखा गया? लास्ट नाइट जिस दिन वो लड़की बच्ची मिली है तो भदौरी गांव पड़ता है, प्याना खो नरसिंह थाने के अंतर्गत आता है, उस प्राइमरी स्कूल में उस बच्ची को ले गए और वहाँ बाहर से लगा करके सरकोड़ा और उसको छोड़ के बच्चे निकल गए। अच्छा, क्या स्कूल में इस घटना? स्कूल से वो बच्ची को प्राप्त किया सुबह के टाइम में। अच्छा, जिस तरह से ये एक राह चलती बच्ची को उठा करके ले जाना और दरिंदगी करना बच्ची के साथ, मानते हैं योगी सरकार में बेटियाँ सुरक्षित हैं? कहाँ लग रहा है इससे? क्या लग रहा है, पूरी बात बताओ। बिल्कुल नहीं लग रहा है। कहाँ लग रहा है? जब लड़की को जबरदस्ती छीन लिया जाता है तो फिर लड़कियाँ कहाँ सुरक्षित लग रही हैं? सरकार तो बहुत दावा करती है कि हमने बेटियों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की है। अब ये उनके अपने दावे, रिजल्ट तो ये है कि लड़कियाँ छीनी जा रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस के कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट? ये घटना 10 मार्च रात को 11:30 से 12 बीच के बजे के बीच की घटना है और लड़की एक बदहवास स्थिति में 12 तारीख की सुबह 7 बजे मिलती है। अभी भी स्थिति गंभीर है। मैं पुलिस की बात बता रहा हूँ कि इतने टाइम में वो लड़की मिलती है, वो भी एक बदहवास स्थिति में वहाँ स्कूल से मिलती है, गांव के वाले लोग सूचना देते हैं और आज 14 तारीख हो गई है, अभी जो है सही बदमाशों का पता नहीं लग पाया है। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हम तो ये मांग करते हैं कि जिन्होंने ये दरिंदगी की है उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार को बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, क्या आप उम्मीद करते हैं सरकार से? क्या उम्मीद की जाए, हम तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है इस बच्ची के साथ क्या बताया है? ये 2 दिन ऐसे बोलने की स्थिति में नहीं था, कल इनका बयान हो गई, बयान में ये बताया 4 लोग उसी दिन उनका ऐसे गाड़ी में अपहरण टाइप में करके लेके गए थे कोई नोएडा गाज़ियाबाद एरिया में, उसी में उधर कुछ शहर वो नगर के नज़दीक में कोई जंगल टाइप में है, उसी एरिया में 2 लोग बुरा काम करने में प्रयास शुरू कर दिया, उसी में एक आदमी बताया 4 लोग में
ये मेरा बहन की तरफ में है, ये गलत है, ऐसे बोल करके दो लोग चली गई। लड़की का बयान ये है दो लोग बुरा काम कर दिया। फिर इनका ऐसे पूरी सोमवार में क्या हो गई मालूम नहीं है, मंडे में ऐसे ट्यूसडे मॉर्निंग में ये देखा स्कूल के अंदर है, बाहर आ करके नस्तिक में कुछ लोग हैं, उनका बुला करके कोई परिचय दे दिया, इमीडिएटली पुलिस पहुंच गई उधर, परिवार का भी बुलाया, अभी हॉस्पिटल में है। इसी बयान में हम लोग ये सुन करके, हमारा कस्टडी में दो लोग था पहले शुरू में ही, उन्हीं का परिचय कराया इनसे, वो मना कर दिया ये लोग नहीं है। वो मना करने के बाद इनकी परिवार से ही बात करके उन लोगों का एक्सप्लेन करके ये दो लोगों का आप नामजद कर दिया, ये सिर्फ आपका शक है, उनके खिलाफ़ कोई डाउट नहीं है, इसलिए उनका हम हैंडओवर कर रहा है उनका उसी ग्राम प्रधान का और ऐसे कोई जिम्मेदार आदमी के साथ हैंडओवर करेंगे, आगे सबूत मिलेगा इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये कोई गिरफ्तारी हुई है अभी? दो कस्टडी में से उन लोगों का हम सबूत में छोड़ रहा है, हमारा इंपॉर्टेंट लीड्स हैं वो पूरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसी लीड्स के अनुसार विथ इन 2 days 24 hours 48 hours में सही मुलजिम का हम अरेस्ट करेंगे। सर, फैमिली का ये भी कहना है कि कार में जिस तरह से बच्ची रही है, रोड पर पुलिस रहती है, बाकायदा चुनाव का माहौल चल रहा है, स्टैटिक टीम्स भी रहती है, कहाँ तक पुलिस की इस मानते हैं आपके जो है रोड पर पुलिस की लापरवाही रही, बच्ची को या कार को नहीं देख पाई 24 घंटे तक? हम जी लगातार चेकिंग में है, आप लोग डेली देख रहे हैं कितना गिरफ्तार हो रहा है, कितना पकड़ रहा है, सभी आप देख रहे हैं। फिर भी एक गाड़ी डायल 100 गाड़ी मूव होगा, दूसरा राउंड आने में, मैं सभी आप लोग प्रचार ना कर दीजिए, गैप है, दूसरी राउंड आने में 10 मिनट 12 मिनट, ऐसे हमारा डायल 100 गाड़ी का रिस्पांस समय है 9.5, मैं ज्वाइन करने के समय 12 था, धीरे धीरे 9.5 का अभी नीचे आ गई, ये समय गैप है ना, ऐसे 100% एरिया में पुलिस का प्रेजेंस नहीं कर सकते हैं, दुनिया में ऐसे कोई देश नहीं है, सभी एरिया में पुलिस है, उसी गैप में कुछ घटना हो सकते हैं, वो हमारा बैड लक है, हमारा बैड लक है, इतना ही बोल सकते। सर, एक आखिरी सवाल ये है, आप पुलिस की धरपकड़, आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस किस तरह का प्रयास कर रही है और कब तक माना जाए कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे? मैं पूरी भरोसा है विद इन 24 आवर्स मैक्सिमम 2 डेज के अंदर सही मुलजिम का हम अरेस्ट करेंगे, ऐसे ऐसे हम पूरी करके उन्हीं का कैपिटल पनिशमेंट मिलना है, पूरी ऐसे सख्त कार्रवाई आगे करेंगे पकड़ करके। आप बच्ची के कौन लगते हैं? मैं उसका मामा हूँ। अच्छा, बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, हाईवे पर चलती कार में गैंगरेप हुआ है, क्या बताया बच्ची ने? अब बच्ची ने ये बताया कि वो मैरिज होम से घर जा रही थी, मेरे मामा के पोते के साथ में, वो बच्चा भी मेरा रिलेटिव है, तो उन लोगों ने जो गाड़ी में सवार थे बराबर में गाड़ी लगाई और हल्का सा उसे पुश करके गाड़ी मोटरसाइकिल को गिरा दिया। मोटरसाइकिल को गिराने के बाद उन दोनों लोगों ने उस बच्ची को और उस लड़के को जितेंद्र को साइड में फेंक दिया नीचे, जो आने जाने वाले लोग इस पर्पज से कि कोई ना देखे, उसके बाद उन्होंने बाइक को गिरा दिया नीचे, फिर उन्हें दोनों को खींच के ले गई। उस लड़के जितेंद्र ने उस लड़की की कॉलरी भर ली जब उसे खींच रहे थे, वो लड़की भी जो डर से उससे चिपक गई, फिर उसके साथ मारपीट की जितेंद्र के, उसको एक कपड़े से बांध के गन्ने खेत में डाल दिया और लड़की को वो अलग रखा उससे, वो थोड़ी बहुत देर में कैसे खुल खुला के वो घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने ये बात बताई कि इस तरीके से लड़की उसे छीन ली, उसके काफ़ी चोट वोट लगी हुई थी सिर में भी। हम लोग ने इधर उधर भाग दौड़ की, एक लड़का जिस पर डाउट था जो शादी में भी गलत एक्टिविटीज़ कर रहा था, उसके यहाँ गए तो लड़का घर पर नहीं था उस टाइम पर, उसका फादर था, उससे पूछा कि वो लड़का कहाँ है तुम्हारा साजिद, उसने कहा वो तो शादी में गया अभी आया नहीं है, शादी वाले घर चले गए अब तो वापस, मेरी जॉब में सारा फंक्शन बंद हो गया, खाना पीना बंद हो गया, डीजे बंद हो गया, लड़का अभी तक घर कैसे नहीं आया, क्योंकि मेरी जॉब से उस लड़के के घर की दूरी मात्र 400 या 500 मीटर रही होगी। तो उस लड़के के फादर से हमने फ़ोन कराए मैंने कि तुम अपने लड़के की लोकेशन तो बताओ, अब इस टाइम पर कहाँ, ये तो सोने का टाइम है, लगभग 1 बजा हुआ है, इस टाइम तो बच्चे को घर होना चाहिए, और लड़का घर पर नहीं आया है, कहाँ है? उन्होंने कई बार फ़ोन ऑन किया उसको और लड़के ने फ़ोन रिसीव नहीं किया, वेल बराबर जाती रही, तो इस वजह से और हमारा जो संदेह था और ज़्यादा हो गया। और बच्ची जैसे थोड़ी बहुत होश में आती है कभी, उसने बताया कि जो घटना को अंजाम दिया उस टाइम पर 4 लोग थे वो, और उसके 2 घंटे 2.5 घंटे लगभग एक बंदा उनमें से चला गया था, 3 लोग वहाँ पर रह गए थे और लास्ट तक वो 3 लोग उसके साथ रहे हैं।
ये बच्ची ने बताया। लड़की ने तो ये भी दरिंदी की बच्ची के साथ हुई है, ये खेत में हुई थी, कार में हुई, क्या बता रहे हैं? ना इतना नहीं बताया है उसने इतना, क्योंकि उसको नशीली दवाइयाँ बहुत दी गई हैं, वो लड़की नशे में, जो अभी भी नशे की हालत में, अभी भी वो नशा मुक्त नहीं हो, जो इतना असर है उन दवाइयों का, अभी भी वो कुछ डरी हुई है, कुछ दवाइयों का असर है जो उन्होंने दी है। जिस तरह से एक चीज़ सामने आ रही है कि चलती कार में बच्ची से दरिंदगी हुई है, तीन लोगों ने उसके साथ की है, क्या चीज़ सामने आई, क्या सच्चाई पता पड़ पाई बच्ची के द्वारा? ये तो मेडिकल रिपोर्ट से साबित होगा। बच्ची ने क्या कुछ ऐसा बताया कि कमरे में उसको रखा गया या कार में ही उसको रखा गया? लास्ट नाइट जिस दिन वो लड़की बच्ची मिली है, तो भदौरी गांव पड़ता है, प्याना खो नरसिंह थाने के अंतर्गत आता है, उस प्राइमरी स्कूल में उस बच्ची को ले गए और वहां बाहर से लगा करके सर कोड़ा और उसको छोड़ के वो बच्चे निकल गए। अच्छा, क्या स्कूल में इस घटना हुई? स्कूल से वो बच्ची को प्राप्त किया सुबह के टाइम में। अच्छा, जिस तरह से ये एक राह चलती बच्ची को उठा करके ले जाना और दरिंदगी करना बच्ची के साथ, मानते हैं योगी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं? कहाँ लग रहा है इससे? क्या लग रहा है, पूरी बात बताओ। बिल्कुल नहीं लग रहा है, कहाँ लग रहा है? जब लड़की को जबरदस्ती छीन लिया जाता है तो फिर लड़कियां कहाँ सुरक्षित लग रही हैं? सरकार तो बहुत दावा करती है कि हमने बेटियों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की है, अब ये उनके अपने दावे, रिजल्ट तो ये है कि लड़कियां छीनी जा रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस के कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट? ये घटना 10 मार्च रात को 11:30 से 12 बीच के बजे के बीच की घटना है और लड़की एक बदहवास स्थिति में 12 तारीख की सुबह 7 बजे मिलती है। अभी भी स्थिति गंभीर है, मैं पुलिस की बात बता रहा हूँ कि इतने टाइम में वो लड़की मिलती है, वो भी एक बदहवास स्थिति में वहाँ स्कूल से मिलती है, गांव के वाले लोग सूचना देते हैं और आज 14 तारीख हो गई है, अभी जो है सही बदमाशों का पता नहीं लग पाया है। सरकार से क्या मांग करते हैं? हम तो ये मांग करते हैं कि जिन्होंने ये दरिंदगी की है उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार को बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, क्या आप उम्मीद करते हैं सरकार से? क्या उम्मीद की जाए, हम तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है इस बच्ची के